नहीं, अब एवीएस था तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा। बहुत जोर से मतलब काट के भागा, हम समझ गया जब सांप कटेगा तो हमको दवाई वाला भगता और गांव में जो है नीम पता नहीं बचा सकता है। पूर्ण भारत न्यूज के साथ, और आप हमारे चैनल पे सांप कटने के बाद पेशेंट बचता है कि नहीं बचता है और कैसे बचता है इसको हम बताते रहते हैं। लेकिन आज जब एक किसान को सांप काटा है तो हम आपको बताएंगे कि वह किसान जो है सबसे पहले क्या किया है, कहाँ से है और कैसे जो है अपनी जान को ये बचा लिया। हालांकि इस पेशेंट की जो स्थिति थी वह बचने वाला नहीं था, लेकिन जानते हैं डॉक्टर से कि यह जो है किस प्रकार से इनके जान को जो है बचा लिए हैं। जुड़ते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैडम और डॉक्टर सर हैं देख सकते हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये क्लिनिक कहाँ है और कहाँ पर आप इलाज करते हैं और कैसे इनको बचा लिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस पेशेंट के लिए? थैंक यू। मेरा जो क्लिनिक है वो खुटोना अम्बेडकर नगर में है और ज़िला पड़ता है मधुबनी। बेसिकली मैं MBBS हूँ और इमरजेंसी का प्रशिक्षण लिया हूँ, तो मैं अपने पिताजी के प्रशिक्षण में ही इलाज करता हूँ। इससे पहले मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बर्धमान से MBBS करके इमरजेंसी बुला लिए और तब से मैं अपना इलाज इसको कर रहा हूँ, स्नेक बाइट का, पॉइजन का। तो सर ये पेशेंट जो आया है किस कंडीशन में, ये पेशेंट को आप? जब ये पेशेंट आया तो बाइटिंग साइट के अनुसार और इसके साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो गया था। हमको लग गया कि ये कोबरा बाइट है, गोहमन कटा हुआ जिसे नाग कहते हैं। और जब आया तो हम देखे इसका पलक जो है अपर आईलिड ऊपर वाला जो पलक है उठ नहीं रहा है, मतलब मेडिकल साइंस में उसको हम टोसिस कहते हैं। तो टोसिस जो है फर्स्ट साइन आ चुका था इसका, क्योंकि कोबरा जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। उसके बाद इनका आवाज़ चेंज होना शुरू हो गया और आवाज़ में क्लियर इसका वॉइस धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने मैं मैडम और हमारे जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है सो एक साथ लग गए इसके मैनेजमेंट करने में, और मैनेजमेंट करने के में हम जितना भी इमरजेंसी ड्रग होते हैं, ऑक्सीजन लगाना, पल्स देखना, ABS चलाना, एक डिफरेंट इंटरवल पर हम उसको देते गए। आज ये पेशेंट समझिए कि बहुत खतरे से निकल करके अब ये सुरक्षित होने जा रहा है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ये जो है भगवतीपुर के रहने वाले हैं, लदनिया प्रखंड में ही पड़ता है और बहुत अच्छे समाज सेवी भी है। मैडम से जान लेते हैं कि मैडम जो है पेशेंट को, दोनों पति पत्नी है ये दोनों, डॉक्टर बिजया जी हैं ये, और इनके देख रेख में भी जो है इलाज हुआ है, तो जानकारी ले लेते हैं। मैडम ऐसे कितने ऐसे पेशेंट को जो है आपके यहाँ ठीक किया जाता है? ऐसे हमेशा मंथ में तो मतलब कि 10% ऐसा आ ही जाता है सीरियस जो यहाँ से ठीक होके जाता है। बाकी ऐसा सेंटर तो मुझे नहीं लगता कि मधुबनी में ऐसा कुछ, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ व्यवस्था है। तो मैडम आपके यहाँ जो ये व्यवस्था है तो क्या आप लोगों से किस प्रकार का अपील करना चाहेंगे? लोग तो गरीब होते हैं और आप तो प्राइवेट में हैं तो ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं ना लेते हैं? नहीं नहीं बहुत नहीं, अब ABS तो महंगा आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो तो लेना ही पड़ेगा मतलब। लेकिन सेवा हो रही है? हाँ सेवा हो रही है। तो आप देख रहे थे ये पति पत्नी है दोनों लोग, और सांप कटे का जो है बहुत बढ़िया तरीके से इलाज होता है। गवर्नमेंट से पेशेंट घूम के आता है, नेपाल के एम्स से पेशेंट घूम के आता है और तब यहाँ जो है जान बचा जाता है। तभी पेशेंट से भी जुड़ लेते हैं कि किस प्रकार का जो है उस समय था और किस प्रकार की जो है इनके साथ ये घटना हो गई। क्या नाम है? दसई मंडल। कहाँ घर हुआ? लदनिया भगवतीपुर लक्ष्मणिया पंचायत में। तो कैसे सांप काट लिया? वो दोपहर के समय में खाना खा के आया, वो पानी चढ़ाया था नहर से, करवा नहर से, तो हम गए उसको भूर बह रहा था खेत में आरी के अंदर से, तो उसको हम बंद करने गए तो एक छोटा सा लाठी था उसको लेके ऐसे ऐसे करते गए तो कुछ दिखाई नहीं दिया हमको। दो टो भूर बंद कर दिए थे, तीसरा भूर के देखने हम आयर पर गए ना, उसका बाद में हमको वो बहुत ज़ोर से मतलब काट के भागा, हम समझ गया जो सांपे कटा है। उसका बाग में हम बहुत स्पीड से दौड़ करके आए ऊपर में, वहाँ पर हमारा गांव का 4-5 आदमी था, वो लोग सब बोला ये सांप काट लिया, सांप काट लिया। हम बोले हाँ हमारा सांप काट लिया। तो रामदुलार सहनी दौड़ के आया, वो मोटरसाइकिल पर 3-4 लड़का मिल के बैठा के हमको यहाँ लेके आया, तो बहुत बेहोश था। अभी सुधार ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ अभी ठीक है।
तो डॉक्टर के पास काहे आए, भागता के पास काहे नहीं गए? तो वहाँ तो पैसा भी नहीं खर्चा होता है। नहीं, हमको यहाँ मालूम था जो यहाँ बहुत इलाज हुआ है हमारे गांव से और जगह से। हमको पता था जो खोटोना में कैसा भी सांप कटा हुआ ठीक हो जाता है। कैसा भी सांप कटा ठीक? हाँ, जो भी सांप कटता है वो यहाँ ठीक होता है। हम सुने थे, हम मोबाइल में आपको बराबर देखते रहते हैं, समाचार वाचार सुनते रहते हैं, पब्लिक फेक्स ये समाचार सुनते रहते, तो हमको पता था। तुरंत रामदुलार सहनी के हम बोले जो हमको लेके चलो जल्दी, तुरंत वो तीन चार लड़का के संग करके दो गाड़ी से हमको यहाँ पहुँचाया। तो देख सकते हैं इनको भी पता है और इनको बहुत अच्छे से पता था कि जब सांप कटेगा तो हमको दवाइये बचा सकता है। ये चनन वाला भागता और गांव में जो है नीम पता नहीं बचा सकता है। क्लियर क्लियर समझिए। और देखिए ये सांप जो कटा है तो कितना ये बारीकी से जो है अपना मतलब पहला ट्रीटमेंट किए हैं, तीन जगह जो है बांधा भी गया है और इसके बाद ये डॉक्टर के पास आए और आज देखिए अभी ये बोल भी रहे हैं और सुधार भी हुआ है। तो इस प्रकार के उपचार और इस प्रकार के डॉक्टर के तमाम प्रयासों से जो है यहाँ पे हजारों नहीं लाखों पेशेंट को अभी तक जो है ये 30 सालों में जो है बचा लिया गया है। तो बड़ा विश्वसनीय और बड़ा जो है मतलब कहते हैं सफलतापूर्वक इलाज करने वाला जो हॉस्पिटल जो है खोटौना में यह सांप कटे का बनता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और देखिए इनके इनके घर के लोग हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या 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 नाम है आपका? बीना देवी। के हाती? पति। तब घबरा गेल छलियै? हाँ, बहुत घबरा गेल छलियै। आप की बुझा रहल है? बहुत सुधार। आप बच गेले ने? हाँ, बहुत बच गेले। तो हम गाम पर से चल ले तहां नहीं कहलिए कि कतौ जाय छी, ओत धौआ लग जात, भक्ता ला चलू? नहीं, हमरो पता है से खोटौना ने बहुत इलाज होता है, भगवतीपुर के बहुत आता है हमको। हाँ, यहाँ पर हमको बहुत मालूम है। देखिए तो ये भी है और भाई साहब है, इनको आप जानते ही। देखिए देवर जी हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या यह इलाज जो हुआ है और ऐसा उपचार बिल्कुल सही होना चाहिए ऐसे ही, या कहीं भक्ता उक्ता के पास जाना चाहिए? नहीं, यही आना चाहिए। यहाँ बहुत इलाज अच्छा हुआ है। हम लोग आया जैसा गंभीर में था, यहाँ आया तो बहुत सुधार है। विश्वास है डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर मैडम हमारा गाँव से बहुत परसेंट के हम लोग भेजते हैं, बहुत परसेंट के भेजते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार का विश्वास जो और उम्मीद जो है इन लोगों के चेहरों पे है और उसका नतीजा है कि डॉक्टर और डॉक्टर मैडम के द्वारा जो है इनके तमाम सपोर्टिंग स्टाफ के द्वारा जो है इनकी ज़िंदगी को बचा लिया है। यदि आपके गांव और आपके मोहल्ले में यदि सांप काटे तो आइए संपूर्ण भारत न्यूज़ पे और सीधा यहां से नंबर उठाइए और पहुंचिए इस हॉस्पिटल में और 5% के डिस्काउंट के साथ जो है अपनी ज़िंदगी बचाइए, क्योंकि गरीबों के लिए जो है हम लोग भी काम करते हैं और यहां सर की जो मैडम है वो भी बहुत आगे और बहुत बढ़ चढ़ के काम करती है। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।